आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल, मैं हूं आपके साथ में है। गर्मी बढ़ने के साथ ही सब्जियों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, खासकर नींबू, भिंडी, गिलकी, खीरा, करककड़ी के भाव आसमान छू रहे हैं। सबसे ज्यादा नींबू के भाव में तेजी है। जी हाँ, नींबू पेट्रोल के दाम से 2.5 से 3 गुना महंगा हो गया है। 10 दिन पहले तक 60 से 70 रुपए किलो बिकने वाला नींबू अब 300 से 400 रुपए तक जा पहुँचा है। दाम बढ़ने से लोग किलो के हिसाब के बजाय पीस के हिसाब से नींबू खरीद रहे हैं। चलिए जानते हैं, जब हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने नीमच सब्जी मंडी में जाकर सब्जी विक्रेताओं और आम जनता से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। इस समय हमारी टीम जहाँ पहुंची है नीमच की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में, जहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शहर में पेट्रोल डीजल के भाव, गैस के दाम बढ़ गए हैं, वही सब्जी मंडी में भी जो है सब्जियों के भाव बढ़ने के कारण जो है अब गरीबों की सारी सब्जी का जायका तो कम होता नजर आ रहा। बात करते हैं किस तरह से सब्जी मंडी में भाव बढ़े हुए हैं, आप बताइए भाई साहब, किस तरह सब्जी मंडी में जो भाव बढ़े हैं। सब्जी मंडी में अभी जो भाव बढ़े हैं, जिस प्रकार की पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, एक गरीब की थाली से सब्जी दूर हो गई है। इन सब्जी के नसीब में बच्चे सब्जी सब्जी के लिए तरसते रहते हैं कि पापा सब्जी लेके आएंगे, फिर कोई खाली धनिया नहीं ले पाते हैं। इतनी महंगी सब्जी जो सब, भिंडी देखो आप, गोभी देखिए, शासन ने खाना भी छीन लिया। ऐसे जीवन में से जीना तो मरना बेहतर है। मैडम, जिस तरह से हम बात करेंगे, जो आप केरी की बात करेंगे, मछली की बात करेंगे, नींबू की बात करेंगे, किस तरह से भाव बढ़ेगा? एक जो आसमान से जिस प्रकार से गर्मी बढ़ी है, इस प्रकार भाव बढ़े, एकदम टेम्परेचर बढ़ गया 45, इस प्रकार की सब्जी के भाव बढ़े हैं, तो यानी कि जीवन जीना दुर्भर हो गया था। ऐसे में अपन क्या दाल हाथ झड़ रही है, बच्चे को जो एक सब्जी एक ऐसी चीज जो गरीब की थाली में, वो भी संभव नहीं हो सकता। दिन के दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबों की थाली से सब्जी दूर हो जाती है, क्या कहना है इसको? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सब्जी मंडी में सब्जियाँ इस कदर महंगी है कि 4 गुना लगभग रेट हो गए। टमाटर देखिए तो 40 रुपए किलो है, भिंडी 100 रुपए किलो, यानी इस तरह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है सब्जी मंडी की, बहुत ज़्यादा हालत खराब है। भाभी जी, हम जिस तरह से बात करेंगे सब्जी मंडी में नींबू 400 रुपए किलो, हरी मिर्च 100 रुपए किलो, किस तरह से भाव बढ़ते हैं? आप एक गृहिणी हैं, किस तरह से आपको घर चलाना पड़ता है? मुझे बहुत मुश्किल हो गई है घर चलाने में। नींबू जहाँ नींबू 20 रुपये पाव मिल रहे थे, वहाँ आज 400 रुपये किलो है, तो कैसे कैसे चलेगा घर, आप बताइए। पेट्रोल के भाव इतने हो रहे हैं, हरी मिर्च 100 रुपये किलो है, बहुत महंगी सब्जियाँ हो रही है। मंडी के जो भाव हैं जो आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जो गरीब की थाली अमीर तो एक बार मैनेज कर लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है वो अगर नींबू 400 रुपये किलो और हरी मिर्च 100 रुपये किलो खरीदेगा, तो मैं नहीं समझता कि आगे कुछ हो पाएगा। आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, कोई भी कोई चीज़ अगर खरीदने जाता है कम से कम उसको 500 रुपये का नोट तो होना ही चाहिए, जब जाके 2 या 4 सब्जियाँ आती हैं, इससे ज़्यादा सब्जियाँ नहीं आ पाती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज़ अगर करो तो थोड़ी लिमिट के हिसाब से कीजिए, जो मध्यम वर्ग भी खा सके, गरीब भी खा सके और अमीर भी खा सके। और हर चीज़ इतनी महंगाई करने से हर इंसान के बजट में इतना लोड बढ़ गया है कि कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी वो घर में इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि हर बजट के हिसाब से कोई काम कर ही नहीं पा रहा है। और कुछ भी करो, पेट्रोल डीजल जो देखो महंगा हो रहा है, हर मध्यम वर्ग के ऊपर जेब में इतना भारीपन आ रहा है कि हर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आगे का क्या सोचना है, बच्चों के लिए क्या सोचना है, कुछ सोच नहीं पा रहा है। पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगे हो गए, डीजल, खाने पीने का सामान, आटा, तेल, शक्कर सब महंगा हो गया है। मेरे कहने का, मेरा सरकार से कहने का मतलब है कि हर चीज़ को सोच समझ के कीजिए। अगर हम बात करें कि जिस तरह से नींबू 400 रुपये किलो बिका है, हरी मिर्च 100 रुपये किलो, केरी तो है 150 रुपये किलो पहुँची है, तो हम आम जनता की जगह हम मध्यम वर्ग की बात करें, लेकिन गरीब लोगों की थाली से तो सब्जियों का जायका बिगड़ जाता है। जी है, लेकिन मैं कहने की चाहती हूँ कि सरकार ये सोचे इस बारे में हर किसी के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि हर गरीब के लिए सोचे, हर अमीर के लिए सोचे, लेकिन हर चीज़ सोच समझ के करें। कोई भी सब्जी सस्ती करना चाहे, हर नींबू या हो या केरी हो या कोई भी सब्जी हो या खाने पीने की चीज़ों को सस्ता करना चाहिए। ये तो और भी हमारे साथ बात करें भाभी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि नीमच शहर में भाव बढ़ते जा रहे हैं डीजल पेट्रोल को लेकर, तो सब्जी को लेकर किस तरह के भाव बढ़ते जा रहा है? डबल भाव है, आम आदमी तो हर सब्जी खरीदता नहीं जा सकता है, जो अपने बजट के अनुसार ही खरीदेगा इंसान। कितने भाव बढ़ते नजर आ रहे हैं गरीबों की थाली से, किस तरह डबल होने का भाव है, एकदम से डबल ही से लाएगा। आते हैं घूम करके एक सब्जी के घर में चले जाते हैं, तो ये महंगाई बढ़
ये थे हमारे साथ इस तरह से आपने देखा कि सब्जी मंडी में लोग कहना कि अगर हम 500 रुपये का नोट लाते हैं तो उसकी चीज़ दो या तीन सब्जी ले जाते। पहले जब हम 200 रुपये लेकर आते तो ठेला भर के ले जाया करते, लेकिन अब जो है आसमान छूती सब्जी के भाव के कारण जो है, अगर हम नींबू की बात करें 400 रुपये किलो है, केरी की बात करें 150 से 200 रुपये किलो है, भिंडी की बात करें तो वहीं 100 रुपये किलो बिक्री, मिर्ची की बात करें तो मिर्ची भी 100 रुपये की लगभग है। ऐसे में जो है मध्यम वर्ग जो अमीर आदमी मध्यम वर्ग को लेकर ठीक, लेकिन गरीब लोगों की थाली से जो है सब्जियों का जायका बिगड़ता जा रहा है, जिससे कि जहाँ ग्रहण अपन ग्रहणों की बात करें तो उन्होंने काफ़ी आक्रोश नजर आ रहा है। आप खुद देख सकते हो किस तरह सब्जियों के भाव के कारण जो है लोग कितनी सब्जियाँ लिया पड़े। तो ये था आप तक का अपडेट, लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।